ठीक है, फिल्में समाज का आईना होती हैं। अब फिल्में ही बदल गई हैं या समाज का आईना बदल गया है? ये देखिए क्या है ना कि हम कभी कभार ना बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को और बड़ी गूढ़ चीज़ों को सिंपलीफाई करके एक वर्ड में बोलना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जिनकी ऐसी धारणा बन गई है। ठीक है, ये बिल्कुल सच्ची बात है कि कोई भी फिल्मकार या कोई भी कलाकार या कोई भी क्रिएटिव आदमी अपने आसपास की दुनिया देखकर, अपने आसपास का साहित्य पढ़कर ही कुछ ना किसी चीज़ की रचना करता है, तो फिल्म भी उसी में आती है, क्रिएटिव उसमें आती है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि अब जैसे आप आज की तारीख में जो जिस तरह के प्रोडक्ट्स देख रहे हैं, जो हॉलीवुड की सुपर हीरो की फिल्में आती हैं या जो इंडिया में इस तरह की फैंटेसीज बनती हैं, वो किस तरह से समाज का आईना है, तो सिनेमा आज की तारीख में मूलतः एक एंटरटेनमेंट और सिर्फ एंटरटेनमेंट का मीडियम बन के रह गया है, क्योंकि पूरी मार्केट ही एक कंज्यूमर प्रोडक्ट और उसके ऊपर आधारित है, तो इट इज़ जस्ट अ कमोडिटी। तो आज की तारीख में सिनेमा, अगर कोई ये कहे कि कोई समाज का कुछ दिखा रहा है, आईना दिखा रहा है, तो वो सेकेंडरी फैक्टर है। वो अगर एंटरटेनमेंट में वो सब्जेक्ट मिल जाता है, उस तरीके से चीज़ें हो जाती हैं, तब वो बनता है। अदरवाइज आज के सिनेमा का आज के समाज से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये बिटर ट्रूथ है। अरे, आपसे सवाल था क्या कि हिंदी और तमिल फिल्मों में क्या फ़र्क है? देखिए, पहले तो मैं ये आपको बताऊंगा कि दक्षिण भारत के बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और दक्षिण भारत में चार इंडस्ट्रीज हैं फिल्मों की, और ये चारों इंडस्ट्री एक दूसरे से अलग है। केरला इंडस्ट्री है जो मलयालम लैंग्वेज की है, कन्नड़ा इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री जो तमिलनाडु में है, और जिस इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ तेलुगु इंडस्ट्री, वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलुगु इंडस्ट्री साल की सबसे ज़्यादा फिल्में बनाती है, हिंदी फिल्मों से भी ज़्यादा। एक जो अंतर, जो मूलतः अंतर है हिंदी फिल्मों में और तमिल फिल्मों में और इस तरह की फिल्मों में, वो सबसे बड़ा अंतर ये है कि वहाँ पे अभी भी लोगों ने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है। ठीक है, वहाँ की जो फिल्में होती हैं, क्योंकि उनको अपनी पूरी लागत और अपनी सारी चीज़ एक स्टेट से ही निकालनी होती है, तो वहाँ की फिल्में आज भी वहाँ के विषय, वहाँ के गाँव, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की शादियों, उसके ऊपर आधारित रहती हैं और उसके आसपास रहती हैं। तो इस वजह से ये उनमें और हम में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। हमारे यहाँ की फिल्में, हिंदी फिल्में खासकर, आज की तारीख में देखिए यहाँ पे फ्लेवर चलता है, चाहे शायद नेशनलिज्म का फ्लेवर चल रहा हो, नहीं तो NRI फ्लेवर चलता है, तो इस तरह का फ्लेवर हो गया जिसका आम जनता के जीवन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है। हमारे हीरो हीरोइन स्पेन में हॉलिडे करते हैं, ठीक है, और स्पेन में ही पूरी फिल्म ख़त्म हो जाती है, या फिर फिल्म किसी ऐसे नेशनलिस्टिक इशू के ऊपर होती है जिसके जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं होता है, लेकिन वो एक हमारे अंदर एक अच्छी भावना का वो करती है तो चल जाती है। तो हमारी फिल्म और दक्षिण भारत के सिनेमा में ये अंतर है कि वो अभी भी अपने साहित्य, अपने कल्चर, अपने उससे जुड़े हुए हैं, और हमारे यहाँ का अधिकांश सिनेमा उससे हट चुका है। और यही एक कारण है, यही एक कारण है कि दक्षिण भारत की फिल्म, यही एक बहुत बड़ा कारण है कि दक्षिण भारत की फिल्में, क्योंकि ज़मीन से जुड़ी फिल्में हैं और हिंदुस्तानी संस्कृति से जुड़ी फिल्में हैं, इसलिए वही फिल्में यहाँ पर भी डब करके ज़्यादा मात्रा में देखी जा रही हैं, क्योंकि इनसे लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि भाई इस तरह के कैरेक्टर हमने भी देखे हुए हैं, हमारे गाँव में है, और इस तरह के एंटरटेनमेंट, और वो उन्होंने आज भी जो हमारे नाट्यशास्त्र के नवरस और वो सारी चीज़ें, उन्होंने उसका ध्यान रखा है। तो उसको आप मास मसाला कह दीजिए, उसको आप मसाला फिल्म कह दीजिए, कमर्शियल फिल्म कह के आप उसको नीचे देख लीजिए, लेकिन ये एक मेन कारण है जिसकी वजह से वो फिल्में आज उत्तर भारत में भी पॉपुलर हैं। सर, आपसे जैसे फिल्म को इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है, तो इससे इससे आपको क्या लगता है कि वाकई कुछ फ़ायदा हुआ है कि सिर्फ? देखिए, अब इंडस्ट्री का दर्जा मिलने से डेफिनेटली कुछ फ़ायदा तो हुआ ही, लेकिन जो फिल्म वालों का जो एक सबसे बड़ा इश्यू है आज की डेट में, खासकर छोटे, हमारे जैसे छोटे फिल्मकारों का इशू है, जो कि सार्थक विषयों पे फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कोई रेवेन्यू मॉडल नहीं। बड़ी फिल्मों के रिलीज के लिए, बड़ी फिल्मों की पब्लिसिटी हम लोग नहीं कर सकते, उनके लिए बहुत संसाधनों की और बहुत पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आज का सिनेमा सिर्फ और सिर्फ, आज का जो बड़ा सिनेमा आप मल्टीप्लेक्स में देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट जगत ही बना रहा है, और इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स, आप जो जिनको 20 साल पहले शायद आप नाम सुनते हो कि भाई सुभाष घई हैं, पहलाज नेलानी हैं, सुनील दर्शन हैं, मनमोहन देसाई हैं, प्रकाश मेहरा हैं, ऐसे बहुत सारे, उनके अब आप नाम नहीं सुनेंगे। अब आपको ही पता चलता है कि भाई इरोस की फिल्म है, वायाकॉम की फिल्म है, YRF की फिल्म है, जिन्होंने अपने आप को कॉरपोरेट बना लिया। तो आज का
तो लड़ाई जो हमारी जो छोटे फिल्मकारों की है वो ये है कि ये जिंदा नहीं रह पा रहे हैं ये छोटे फिल्मकार, तो इनके लिए छोटी छोटी स्टेट गवर्नमेंट्स और ये सब सब्सिडीज़ दे रही हैं, अलग अलग अनुदान दे रही हैं और अलग अलग चीज़ें कर रही हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि इतने सारे फिल्म मेकर्स हमारे जैसे यूपी के सब्जेक्ट्स की तरफ और यूपी के उसमें उनका रुझान बढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे हमको एक रेवेन्यू मॉडल मिलता है जिससे हम कुछ सार्थक सिनेमा बना सकें और कुछ हमारा नुकसान भी ना हो। अरे उत्तर प्रदेश में फिल्म बंधु से शूटिंग और अनुदान से आपको कितना फ़ायदा होगा या आप जैसे प्रोड्यूसर्स को? हाँ देखिए, हमने एक एज अ प्रोड्यूसर तो नहीं लेकिन एज एन एक्टर हमने एक फिल्म की थी अलिफ हिंदी में। यस हाँ, तो अलिफ फिल्म को अच्छा खासा सब्सिडी मिली थी, कम बजट की बनी सार्थक फिल्म थी, आज के 2 साल पहले की फिल्म थी और जया बच्चन जी ने और सब ने आगे बढ़ के उस फिल्म को प्रमोट भी किया था। तो इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं उससे हम लोग को बड़ा हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है और हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है। तो वी कैन मेक गुड फिल्म्स। सो अभी जैसे अभी हमने जो एक हमारी फिल्म आई है मासा, जो कि गाँव की प्राइमरी शिक्षा के ऊपर है और फीचर फिल्म है, अब तक उसको 32 अवार्ड मिल चुके हैं देश और विदेश में। तो इस फिल्म को भी हम लोगों ने सब्सिडी के लिए अप्लाई किया है, अगर हमको सब्सिडी मिल जाएगी तो हमारा भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो डेफिनेटली यूपी के फिल्म बंधु से हम काफ़ी फ़ायदा तो है ही यहाँ के जो फिल्म सब्सिडी स्कीम है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आप वेब सीरीज़ का एक नया दौर आ गया है, इसमें भी आप किस्मत आजमाएंगे या इसमें भी 100%? क्योंकि कोई भी स्ट्रीम और कोई भी प्लेटफॉर्म छोड़ा नहीं जा सकता आज जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो काम हो रहा है। और दूसरी बात क्या है कि इन सारी चीज़ों का अच्छी बात यह है कि चीज़ें वेब सीरीज़ और इसका जो रेवेन्यू आएगा वो ट्रांसपेरेंट रहता है, तो ये अच्छी शुरुआत है। और लेकिन जो सबसे बड़ी बात वही है कि हर चीज़ पे जो बड़ा आदमी है, जो कॉरपोरेट जगत है, सबसे पहले वो कैप्चर कर लेते हैं, तो यहाँ भी लड़ाई उसी बात की है। तो हम लोगों को सर्वाइव करने के लिए हमारा प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट या तो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए, या तो अगर हमको कहीं देश विदेश में अक्लेम मिलता है उसके बाद वो हमारे प्रोडक्ट की तरफ देखना भी सही पसंद कर रहे हैं। तो रेवेन्यू स्ट्रीम का छोटे फिल्मकारों के लिए और इस तरह की फिल्म सिनेमा बनाने वालों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इंटरनेट पे भी, OTT प्लेटफॉर्म पे भी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे भी। लेकिन जिस तरह OTT प्लेटफॉर्म को कॉर्पोरेट ने काफ़ी कैप्चर करते चले जा रहे हैं लगातार, तो उससे क्या लगता है कि जो जैसे आप जैसे न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी इन फ्यूचर प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगी? वो प्रॉब्लम ऑलरेडी है। एक तो सबसे बड़ी बात क्या है ना कि अभी OTT प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू मॉडल सही से लोगों को समझ में नहीं आया, ठीक है, कोई कॉन्क्रीट डेटा नहीं मिल रहा है। अभी इंडिया में नई नई चीज़ है, मतलब साल दो साल दो तीन साल, तो जब तक सब्सक्रिप्शंस वगैरह लोग फ्री मिलता है सब्सक्रिप्शंस तब तक लोग देखते हैं, या किसी खास प्रोग्राम की वजह से चलते हैं OTT प्लेटफॉर्म्स, या तो फिर किसी खास टूर्नामेंट की वजह से चलते हैं जैसे हॉटस्टार है, IPL की वजह से चल रहा है या गेम ऑफ थ्रोन्स की वजह से चल रहा है, ठीक है। तो इनका जब तक रेवेन्यू मॉडल और ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तो हम लोग को जो प्राइस लोग ले देते हैं, हम लोग बेगर्स आर नॉट चूजर्स। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश की मिट्टी से हैं, उसकी पहचान भी हैं, उसके बाद फिल्मों की कितनी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा आप यूपी में ही बेस करके उसकी शूटिंग करना चाहते हैं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं आती आपको? देखिए, इसमें परेशानी बस पैसे की है। इसमें परेशानी ये है कि हम लोगों को इस तरह के सब्जेक्ट्स बनाने के लिए और इस तरह के विषयों पर करने के लिए ना तो कॉरपोरेट जगत से बैकिंग मिलती है, ना ही किसी इस्टेब्लिश प्रोड्यूसर से बैकिंग मिलती है। तो इस तरह की फिल्में हम लोग इसको कहते हैं गुरिल्ला स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग। हम लोग इस तरह की फिल्में संसाधन रिसोर्सेज जोड़ के किसी तरीके से जो पैसे मैं कमर्शियल फिल्मों में कमाता हूँ उसको लगा कर इस तरह की हम फिल्में करने की कोशिश करते हैं कि भाई हिंदी जगत में भी हम कुछ सार्थक काम करते हैं। देखिए, जिनके पास सारे संसाधन हैं, सब कुछ है, वो इस तरह की फिल्में करना नहीं चाहते, और वो इस तरह की फिल्में, उनका सब चीज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड है। और जो हमारा दर्शक वर्ग है, बहुत मतलब दुख की बात है कि जो हमारा दर्शक वर्ग है जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा देखता है, ये भी इस तरह की फिल्में देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। ये मल्टीप्लेक्स पे जाकर वही सिनेमा देखना चाहता है जिसमें उसके पूरे पैसे वसूल, और वो भी अपनी जगह ठीक है क्योंकि मल्टीप्लेक्स में परिवार के साथ कोई भी सिनेमा देखने जाता है तो 1000 रुपये जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले आज की तारीख में बच्चे डिसाइड करते हैं कि पिक्चर कौन सी देखी जाएगी, तो अब वो समस्या है हम लोगों के साथ। अच्छा, फिल्मों में हमेशा कास्टिंग काउच का भी एक हमेशा डर रहता है, और इस पर भी बवाल उठते रहते हैं आई थिंक, क्या है? देखिए, ये इस चीज़ को ना मैं सिर्फ फिल्मों से नहीं रिलेट करता हूँ, क्योंकि सिनेमा जगत, पॉलिटिक्स या स्पोर्ट्स जगत में कोई भी चीज़ होती है तो सबसे पहले न्यूज़ में आ जाती है। मेरे ख्याल से ये जो पूरी कास्टिंग काउच वाली बात है, ये पावर गेम है, ये सिर्फ सिनेमा जगत की बात नहीं है। जो भी व्यक्ति, जो भी गलत व्यक्ति जिसके भी हाथ में पावर या इस तरह की रिसोर्सेज जाती हैं, वो हमेशा उसको अपने फ़ायदे के लिए या अपनी चीज़ों के लिए उसको एक्सप्लॉयट करने की कोशिश करता है। तो
तो ये बात सिर्फ सिनेमा जगत से रिलेटेड नहीं है, ये बात आपको समाज के हर क्षेत्र में आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएगी और डेफिनेटली बहुत गलत बात है। अच्छा, अब आपका इन फ्यूचर क्या क्या रोड मैप है? जी देखिए, अभी क्या है कि देखिए मेरे तेलुगू में तो 5-6 फिल्में आ रही हैं, उससे खैर हिंदी दर्शकों को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, लेकिन मेरी मास साहब फिल्म रिलीज पे है, राष्ट्रीय पुरस्कार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं, हम लोग बहुत आशान्वित हैं कि हमको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिलेगा, किसी न किसी कैटेगरी में हमको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि हमारी फिल्म इतना नाम कमा चुकी है। और तुरंत ही अब की बार की जो मेरी विजिट है लखनऊ की, वो बेसिकली सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज भी एक कुप्रथा चल रही है, वो है मैला ढोने की, तो जिसको हम लोग अंग्रेजी में मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं। तो इसके ऊपर मुझे कुछ सामाजिक संगठनों ने, कुछ एनजीओज ने इनवाइट किया था चंबल के इलाके में आने के लिए और बुंदेलखंड के कुछ इलाकों में जाने के लिए, तो मेरा मैनपुरी, इटावा, जालौन, उरई जाना हुआ और मैंने यहाँ पर देखा कि सब चीज़ ख़त्म होने के बावजूद भी छुटपुट जगह ये प्रथा अभी भी चल रही है, तो उसके ऊपर मैं अपनी अगली फिल्म करना चाहता हूँ और संभवतः ये फिल्म मैं जुलाई अगस्त में शूट करूँगा। इस फिल्म का नाम मैंने मैला रखा है। अच्छा, आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, साथ ही साथ जिस तरह फिल्मों में प्रोडक्टों को प्रमोशन होने लगा है, उससे भी रेवेन्यू जनरेट होने लगा है, तो आप क्यों नहीं उन चीज़ों को अपनी फिल्मों में करते जिससे आपको भी रेवेन्यू मिले? बहुत सिंपल सी बात ये है कि जो मैं कमर्शियल फिल्में करता हूँ दक्षिण भारत में, तो वहाँ पर क्योंकि मेरा कमर्शियल मार्केट है, कमर्शियल नाम है, तो वहाँ पर सारी चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन हिंदी में अभी मेरा उतना नाम नहीं है, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें करनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और आज की तारीख में जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, ब्रांड्स बस उन्हीं के साथ जुड़ना चाहते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि कोई फलाना व्यक्ति सारे ऐड एक ही व्यक्ति कर रहा है। ठीक है, नहीं, अब तो जिस तरह अभी मैं पूछना चाहता हूँ ना, जैसे अभी कोका कोला 2 ये गाना भी आया और बल्कि वो पूरा फिल्म का प्रमोशन ही हो गया, उसके बाद फिर अभी फिर बाकी 2 आया, फिर उसमें भी बिल्कुल आजकल इस तरह से हम उस कैटेगरी में आ ही नहीं सकते क्योंकि आप बात कर रहे हैं कॉरपोरेट जगत के सिनेमा की। मैं आपको आपको बस थोड़ा सा रियलिटी चेक आपको बताता हूँ कि जितना उनका पानी का बजट होता है ना फिल्म का, जितने में जितने की वो पानी पी जाते हैं उतने में हम फिल्म बनाते हैं। तो आज की तारीख में नहीं, मेरा कहना मतलब था इसमें इस सेक्टर में भी MSME टाइप के लोग हैं जो आपको भी प्रमोशन दे सकते हैं उनको। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई एक, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई 1% इंटरेस्ट नहीं शो करता है। अच्छा। क्योंकि हाँ, क्यों करें? देखिए, आज की तारीख में सिनेमा रिलीज करने का बहुत बड़ा बजट हो गया है। पहले क्या होता था सर कि सिनेमा 1 रुपये में बनता था तो 10 पैसे की पब्लिसिटी और रिलीज लगती थी। अब सिनेमा 10 पैसे में बनता है और 1 रुपये की पब्लिसिटी और रिलीज लगती है। इसका आपको मैं सीधा सीधा एग्जांपल देता हूँ। पहले हमारी हर फिल्म में 5 से 6-8 गाने होते थे, आज की तारीख में आप सुपरस्टार की फिल्म में भी 1 या 2 गाने होते हैं। उसका सीधा सीधा कारण यह है कि फिल्म का रिलीज और पब्लिसिटी में, आज किसी भी बड़ी या छोटी फिल्म का रिलीज या पब्लिसिटी में और हर हॉल में मल्टीप्लेक्स में पहुँचाने के लिए 12 से 18 करोड़ रुपये लगते हैं। तो जो कॉरपोरेट, ये काम सिर्फ कॉरपोरेट कर सकता है या फिर 4-5 प्रोड्यूसर मिल कर सकते हैं। तो ब्रांड भी उन्हीं लोगों के साथ जुड़ना चाहेगा। भाई, ब्रांड क्यों जुड़े जब तक विजिबिलिटी नहीं है? अब हम लोग जिस तरह का सिनेमा करते हैं वो ऑल ओवर इंडिया 30 सिनेमा हॉल घर में रिलीज होता है, उसमें उनको अपना 1 रुपये भी वो नहीं बर्बाद करेंगे। तो ये समस्या तो है, ये तो है ना। चलिए, बहुत थोड़ा सा अपना परिचय देंगे। हाँ, तो देखिए क्या है कि आदित्यम, मेरा नाम आदित्यम है और दक्षिण भारत खासकर तेलुगु फिल्मों का मैं जाना माना नाम हूँ और मैंने कुछ ऑलमोस्ट गिनती तो नहीं की लेकिन लगभग 35 फिल्में एज अ मेन हीरो की हैं। और हिंदी में अब तक मेरी फिल्में जो आ चुकी हैं वो हैं बंदूक, जो मैंने गन कल्चर के ऊपर बनाई थी, अलिफ, जिसमें मुख्य किरदार मैंने निभाया था, एक अंग्रेज़ी फिल्म मैंने की है द डेड एंड नाम की, जो अमेजोन प्राइम पर उपलब्ध है, लोग देख सकते हैं। मेरी आने वाली फिल्म है मास साहब, जिसको मैंने निर्देशित किया है, ये प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर है, फीचर फिल्म है, ये मेरा हिंदी में किया हुआ काम है। अच्छा, डेली सोफ्ट में क्या और करने का इरादा है? देखिए, अब क्या है कि क्योंकि मेरी व्यस्तता दक्षिण भारत में ज़्यादा है और जिस किस्म का पैसा और जिस किस्म के पैकेज मुझे वहाँ मिलते हैं वो आज शायद टेलीविज़न की दुनिया में नहीं मिल पाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि मैं हिंदी दर्शकों से कट जाता हूँ। अगर कोई अच्छा अवसर मिलेगा और अच्छी चीज़ आएगी तो डेफिनेटली मैं करूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं।